हेलो फ्रेंड्स, तो आज है दिवाली और आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी की दिवाली मंगलमय हो। और फ्रेंड्स, मेरा सारा काम फिनिश हो गया मॉर्निंग का और अभी हम लोग तैयारी में लगे खाना बनाने के लिए, तो चलिए मैं बना देती हूँ खाना। और मेरा सारा काम हो गया, कप साफ सफाई धुलाई नाना धोना सबका हो गया और सभी लोग नहा लिए हैं मेरे घर में। और अब चलिए बनाते हैं खाना, बना लेती हूँ जब के, तो चलते हैं। खाने की तैयारी आधी तो लगभग हो चुकी है और आधा बचा है जो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई किचन में और यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और इसके लिए मैंने ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में और रिफाइंड पहले से पड़ा हुआ, तो आधा रिफाइंड और आधा सरसों का तेल डाल के बना रही हूँ मैं। तुम लोग के क्या है, खाली रिफाइंड से सब लोग खाते नहीं हैं, तो थोड़ा सरसों का तेल भी मिला लेते हैं उसी में। और रिफाइंड इसलिए मिला देते हैं कि थोड़ा पीला पीलापन उसका ख़त्म हो जाता है और जब तेल अच्छे से पक जाता है तो पीला नहीं रहता है। तो यहाँ दिवाली के अभी हम लोग के यहाँ क्या है, सुबह सुबह मॉर्निंग में खाना जल्दी बन जाता है, तो यहाँ मैंने बनाए छोले, पूड़ी, कचौड़ी और खीर। तो यहाँ पर तो हम लोग बना रहे थे, तो सुबह सास मेरी मतलब उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी, तो उन्होंने आटा गूंद लिया था कचौड़ी और पूड़ी का और वो अब कचौड़ियाँ भर रही हैं और बेल रही हैं। तो मैं एक तरफ यहाँ कचौड़ी सेकती जा रही थी और मैंने उस पर पेपर लगा लिया था, वैसे मैं कपड़ा ही रखती हूँ, तो अभी मेरा कपड़ा धुलने के लिए रख दिया था। तो मैं यहाँ पर देखिए कचौड़ी निकाल रही हूँ और मैंने थाली भी लगा ली है और ये ब्रास बाहर खेल रहे हैं और पापा के लिए और हस्बैंड के लिए दोनों लोग की थाली लगी हुई है, तो गरम गरम ही खा लेते हैं ये लोग सब लोग। तो मम्मी बोल रही थी कि दे दो खाना, तो गरम गरम सेक के और बन में बेलती और ऊपर जा रही हूँ, तो वो कचौड़ियाँ भर रही थी। और ये देखिए मेरी करारी करारी कचौड़ी बन गई, यहाँ पर छोला बना हुआ रखा है, खीर बन गई है। तो यहाँ सब लोगों ने खा लिया खाना और अब मैं कर रही हूँ बर्तनों की सफाई। तो जो बर्तन रह गए थे उसको मैं अच्छे से धुल लेती हूँ, तो मैंने कहा अगला भी सब हो जाएगा। तो यहाँ मेरी पूरी कचौड़ी सब बन गई थी। और दिवाली में मॉर्निंग में सुबह सुबह मतलब काफ़ी काम भी रहता है, तो सब खाना पीना बनाने का, खीर बनाई थी और मतलब काफ़ी हो जाता है। तो फिर सब लोगों ने खा लिया आराम से खाना और बना के भी रख दिया इतना कि अभी मान लो किसी को भी भूख लगती है, सीवराज है मतलब जिसका भी दोबारा से मन करता है तो वो खा लेता है। फिर शाम के लिए दाल भी बचा के रखती थी, तो मम्मी कह रही कम होगा तो और सेक लेना, तो वो दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा बस इतना ही करते हैं। तो पूड़ियाँ और कचौड़ी नीचे मैंने कचौड़ी रख दी थी, ऊपर से पूड़ी रख ली है। और यहाँ पर और मेरा आज फास्ट है, मैं तो दिवाली वाले दिन क्या है मॉर्निंग से फास्ट व्रती रहती हूँ, जब शाम को पूजा हो जाती है लक्ष्मी माता की उसके बाद मैं खाना पूरा खा लेती हूँ। बस दोपहर का ये है, मतलब पूरे दिन का हो जाता है, शाम को फिर मैं पूरा खाना जो बनता है वो सब खा लेती हूँ। तो वही मम्मी कह रही थी शाम को अपने लिए कचौड़ी गरम सेक लेना तो अच्छी लगेगी। और यहाँ मैंने ये बंद करके रख दिया, किसी को भी भूख लगती है। और अब मैं कर लेती हूँ ये, मैंने चावल पुलाव भी बनाया था और मैं इसमें कढ़ाई से जो सब्जी रहती है वो पलट के मैं रख देती हूँ उसमें, तो बर्तन जितने भी अभी धुल जाते हैं तो वो काम कम हो जाता है। फिर शाम को तो पूरा समय दिवाली की पूजा लगाने में ही, सामान लगाने में ही चला जाता है, निकल जाता है यहाँ पर। तो वही मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सब रखती जा रही थी और मैंने कहा बर्तन भी अपने सब लगा दिए थे और ये मतलब जल्दी सब काम फिनिश हो गया था, मतलब 11 बजे तक। वैसे भी हम लोग के यहाँ जल्दी खाना खा लेते हैं, सुबह भी और शाम को भी जल्दी खाना होता है तो सुबह 11 बजे तक हो जाता है। तो यहाँ मेरी सब साफ सफाई हो गई किचन की और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पर और इधर मैं मिठाई। और तो फ्रेंड्स, दिवाली की तैयारी के साथ फिर मिलते हैं शाम वाले ब्लॉग में। तो अभी बस मॉर्निंग का इतना ही था। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम की दिवाली की पूजा के साथ। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।